दूसरे चरण में कोरोना महामारी का तांडव रोकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो आम जनता बेखौफ लापरवाह की तरह रास्तों पर उमड़कर कोरोना को खुला निमंत्रण दे रही है। रास्तों पर उमड़ने वाली भीड़ पर नियंत्रण लाने वाले पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन चौक चौक में खड़े होकर कुछ गरीब वाहन चालकों पर 100-200 का चालान काट कर अपनी भीड़ थपथपाने में लगे हैं। क्या ऐसे में हम बढ़ते कोरोना से लड़ पाएंगे? दो दिनों के वीकेंड लॉकडाउन के बाद आज सोमवार को शहर के सड़कों पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ना शुरू हुई, जो रात तक जारी रही। मानो हर कोई अपने आप को कोरोना से मुक्ति मिलने का जश्न मना रहा हो। जहां राज्य सरकार फिर लॉकडाउन लगाने का विचार कर रही है, नागपुर जिले के निजी पैथोलॉजी लैबों ने कोविड-19 की एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्टिंग करना बंद कर देने से शहर के शासकीय सीसीसी टेस्टिंग सेंटर और स्वास्थ्य केंद्रों में जारी टेस्टिंग सेंटरों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी है, जिससे कि स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी डबल शिफ्ट में भी अतिरिक्त समय काम कर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो वही आम जनता अब भी दूसरे चरण के बढ़ते कोरोना को हल्के में ले रही है। कोरोना महामारी फैलाने में सुपर स्प्रेडर की महत्वपूर्ण भूमिका है, और जिसमें लॉकडाउन में भी शुरू रहने वाली फल सब्जी बेकरी और किराना दुकानों में उमड़ती भीड़, जिससे इस महामारी पर अंकुश पाना कठिन हो रहा है। शहर में जहां देखो वहां रोजाना 4-6 नए सब्जी भाजी का या फिर फलों की दुकानें लग रही है। कहीं यही तो वे सुपर स्प्रेडर नहीं जो इस महामारी को तेजी से फैला रहे हैं। इन सारे दुकानदारों की तथा जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले सभी दुकानदार और उनके कर्मचारियों की नियमितता से कोविड-19 की जांच हो और हर दुकानदार के पास निगेटिव रिपोर्ट होने का प्रमाण हो, ऐसी मांग उठने लगी है। तहसीलदार सतीश मासाड़ के मार्गदर्शन में तालुका स्वास्थ्य अधिकारी वाघ मधुकर सोनू ने सावनेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रपाठक डॉक्टर प्रवीण मिश्रा, डॉक्टर संदीप गुजर और डॉक्टर हरीश बरैया, डॉक्टर अभिनव कर्मरकर, डॉक्टर आकाश मिर्चे, डॉक्टर प्राची छेनिया के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी गुणवंत ठाकरे, धनराज देव के, प्रणय कोडे, प्रकाश धोटे, अमोल खटे परिश्रम ले रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंढे लेके ग्राउंड रिपोर्ट।